जब भी किसी को सड़क पार करनी होती है तो वो सफ़ेद पट्टियों के जरिए ही रास्तों को पार करते हैं। इन्हें आमतौर पर जेब्रा क्रॉसिंग कहा जाता है। ये क्रॉसिंग लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बनाए जाते हैं, जिससे गाड़ी चलाने वाले लोगों को पता रहे कि उन्हें कहां पर गाड़ी की स्पीड धीमी करनी है और रोड क्रॉस करने वाले को पता रहे कि कहां से रास्ता क्रॉस करना है। मगर सवाल ये उठता है कि इन पट्टियों को जेब्रा क्रॉसिंग ही क्यों कहते हैं, ये काली सफ़ेद ही क्यों होती हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि जेब्रा क्रॉसिंग नाम कैसे पड़ा। द हिंदू वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक साल 1930 में इंग्लैंड में एक एक्सपेरिमेंट किया गया था। इंग्लैंड का ट्रैफिक बढ़ने लगा था, जिसके चलते सड़कों पर जाम और अव्यवस्था की स्थिति पैदा हो रही थी। तब यहाँ पर क्रॉसिंग बनाई गई। एक दिन सड़क पर ब्रिटिश मंत्री निकले, जिन्हें उस क्रॉसिंग के निरीक्षण के लिए नियुक्त किया गया था। जब उन्होंने काले और सफ़ेद रंग की क्रॉसिंग को देखा तो उसे जेब्रा प्रिंट बताया। तभी से क्रॉसिंग को जेब्रा क्रॉसिंग कहा जाने लगा। ऐसे में सवाल ये उठता है कि काली सफ़ेदी क्यों होती है जेब्रा क्रॉसिंग। दरअसल डामर से बनने वाली सड़कें काली होती हैं। ऐसे में जब उन पर सफ़ेद धारियां प्रिंट की गई तो वे कॉन्ट्रास्ट में दिखने लगे। क्रॉसिंग बनाने से पहले कई रंगों का प्रयोग किया गया, मगर सबसे उपयुक्त सफ़ेद धारियां लग रही थी, क्योंकि उस पर चलने वाले लोग आसानी से नजर आ रहे थे। तब से इसे काला सफ़ेद माना जाने लगा। हालांकि कई देशों ने अपने हिसाब से क्रॉसिंग के डिज़ाइन और रंगों को चेंज कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्पेन में एक ऐसा शहर है जिसमें पट्टियों की जगह पोल्का डॉट्स बना दिए गए हैं। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि उस इलाके की गायों के शरीर पर इसी तरह के डॉट्स होते हैं। इसे काउ क्रॉसिंग कहा जाने लगा। हांगकांग में पीली पट्टियां बनाई गई हैं, जिसे टाइगर क्रॉसिंग कहते हैं। अगर जेब्रा क्रॉसिंग से जुड़ी बात हो रही है तो ये भी आपको बता दें कि जेब्रा के शरीर पर ऐसी धारियां ही क्यों होती हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि प्रकृति ने कई प्राणियों को छलावरण की शक्ति दी है। वो अपने आसपास के माहौल में अपने रंग और रूप के कारण इस तरह घुल मिल जाते हैं कि उन्हें देखकर लगता ही नहीं कि वो वहाँ मौजूद हैं। जेब्रा के प्रिंट भी काफ़ी हद तक उनकी इसमें मदद करते हैं। हालांकि वैज्ञानिकों ने इन पट्टियों का अलग अलग अंदाजा लगाया। उनका मानना है कि जेब्रा की 3 नस्लें ऐसी जगहों पर होती हैं जहाँ हॉर्स फ्लाई जैसे खतरनाक कीड़े पाए जाते हैं। एक एक्सपेरिमेंट में घोड़ों को काले और सफ़ेद रंग से पेंट कर दिया गया, तब उन पर हॉर्स फ्लाई छोड़ी गई जो उनके शरीर पर बैठी ही नहीं या फिर टकरा कर लौट गई। वैसे इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। साथ ही अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और इस तरह के इंटरटेनिंग कंटेंट लगातार पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।